कि मैं ये इसको साफ कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि 200 सालों से साफ नहीं हुआ। इतनी ज्यादा गंदगी। कौन करता है किचन में काम? कौन करता है किचन में काम? हाँ, तो उसके हाथ कटवा दो। काट ये ले, हाथ काट वाला, हाथ काट, हाथ काट दे। मैं काम कैसे करूंगी? बेचारा कुपोषण हो गया जो तो। इसे पानी से धोती हूँ। पाइप लिया हूँ मैं ऊपर छत पे से। क्या पाइप लगा के डायरेक्ट एक ही बार में धुल जाएगा? जग से मारेगी तो सब जगह फैल जाएगा। इधर अंदर घुस तू। साफ पानी होगा उसमें, वो चूना होगा दे दियो। दिस इज साफ पानी। मैं ना हथौड़ी लाती हूँ, वो नट टाइट कर दे पीछे वाला। हाँ, निकला पड़ा है वो। हाँ नहीं, वो टाइट ही नहीं था, वो स्टार्टिंग से ढीला। हाथ से डाल, दूर है ना, गैप में है। ईद तो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें जब सफाई होती है ना, बस सफाई बेकार लगती है। सफाई बेकार लगती है, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा सफाई। इंशाल्लाह इस बार हम दो, अगली बार तीसरी होगी। सबसे ज्यादा मैं उसी से सफाई करवाऊंगी। सास बन रही है? नहीं, बड़ी है ना भाई, बड़ी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और क्या, बड़ा बड़ा होता है आखिर, बड़े ज्यादा काम करते हैं, छोटे कम काम। ए बहन, ए गिर जाएगा ना, पापा हमारी जान ले लेंगे। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है सफाई वाला डे, तो आज ना मम्मी ने हम सबको काम पे लगा रखा है किचन की सफाई करने में। मुझे किसी काम में दिक्कत नहीं है। हैं? सबको नहीं, सिर्फ दो का। तो हम दोनों के अलावा करता ही कौन है? तब वो बहन, हम दोनों मिलकर सब बन गए ना। तो गाइस, अब बहुत ज्यादा काम है, आप देख सकते हैं इस पे गंदगी कितनी सारी है। ओए, अंदर का हाल है, और ये अंदर वाला काम कर रही है। सारे बर्तन वर्तन वहां पे हैं। मैं यहाँ पंखों के बीच में खड़ी होकर वो कर रही हूँ। और देखो, कबूतरी नहीं दिखाती मैं, जो विंडो पे बैठी हुई है। ओ माय गॉड, उसको हटा देना, खोल दे उसको, पंखे को खोल दो। ये देखो, ये बैठी हुई, उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, बैठी हुई है। तंग नहीं करते, फालतू हरकत नहीं करते, और फटाफट से इसको निपटा के मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, आज का जो इफ्तारी है वो है डोसा और चिली पटेटो, क्योंकि काम करते करते इतना लेट हो गया कि इफ्तारी करने और इफ्तारी बनाने का भी मौका नहीं था। तो बस जो है आज यही है, उसके बाद आपको से इफ्तारी करके बात मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और जो साफ़ सफाई थी वो हो चुकी है। यहाँ पे जंजाल लगा हुआ था, वो भी साफ़ हो गया, फिर ये भी साफ़ हो गया, फिर ये तो साफ़ हो ही है, उसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। और जो भी यहाँ पे था, जो जंगल वंगल है ना, बस इसको फेंकना बाकी है, बाकी तो सब साफ़ सुथरा है, बाकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। अब जा रही हूँ मैं चाय पीने, क्योंकि चाय की बहुत ज़रूरत है। अम्मी चाय नहीं पीजिएगा? हाँ बेटा, तो चाय गर्म कर रही हूँ मैं। और एक और बात, यहाँ एक नहीं दो अंडे, मम्मी अभी इसमें दो है ना, मम्मी दो अंडे हैं कबूतर के, और इतने बड़े बड़े अंडे हो गए, मतलब शेप ना थोड़ी बड़ी हो गई है। कबूतर नहीं के अंडे, कबूतरनी क्या, कबूतर, कबूतर फीमेल कबूतर बोलते हैं, मेल कबूतर बोलते हैं, कबूतरनी। अरे आप यहाँ, आपको तो जंगल में छोड़ा था ना मैंने। मैंने बचा लिया चाय को, मम्मी की चाय अम्मी को देते हैं, लीजिए अम्मी। हाँ अल्लाह, चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर खाना शाना का भी सोचना है। एक कप चाय, आय हाय। तो चलिए जी, चाय पीने के बाद आप सुनते हैं। उसको उधर मत रख, कभी कहीं मत रख इसको, इसको थोड़ा यू करके उछाल, ठीक है? जा जा, ट्रस्ट गेन हो गया उसको, जा थोड़ा उछाल, हल्का सी सी, जाना जा, नहीं जाना, नहीं जाना, जाओ तुम जाओ, मैंने देखो छोड़ रखा है, मैंने देखो जाओ, मैंने अपना हाथ पूरा वो कर रखा है, जाओ दिखा। अरे अरे, अरे मेरे को लग रहा है पलने के लिए आया है, जान दे उसको। मम्मी कहाँ है? जाता है, पर अगर अभी वो नहीं उड़ रहा ना कि, तो हमें से छोड़, ए तू चुप ना, तेरे आवाज से वो डर रहा है, बता रहा हूँ। आया ठीक है, सॉरी।
चल रहने दे, वो खुद उड़ जाएगा, छोड़ उसको। ये छोटा सा मेहमान हमारे घर में हमारे छत पे उड़ के आ गया था, तो इसको चेक करने के लिए आए थे कि कहीं इसको कोई चोट वोट तो नहीं लगी, अगर लगी होगी तो मरहम पट्टी कर देंगे, पर अलग 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 शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम एकदम फिट एंड फाइन है। ये छोटा सा है ना, इसलिए थोड़ा डर गया है, बाकी उड़ जाएगा।